नमस्कार, खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। अधिकतर युवा नई नई टेक्नोलॉजी के दीवाने होते हैं। चाहे मार्केट में कोई नया मोबाइल आए, लैपटॉप आए या आईफोन आए या कोई भी नई तकनीक का प्रोडक्ट आए, तो वे उसके सभी फीचर्स जान लेना चाहते हैं और अगर वो चीज उनके बजट में हो तो वे उसे खरीदना भी चाहते हैं। कई लोग अपने पसंद का सामान खरीदने के लिए महीनों तक पैसे जुटाते हैं और फिर खरीद लेते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी पसंद के लेटेस्ट आईफोन को खरीदने के लिए जो कदम उठाया वो आपके होश उड़ा देगा। ऐसा शायद ही किसी 17 साल के लड़के ने कभी किया हो। आमतौर पर आईफोन के मोबाइल काफी महंगे आते हैं। जब भी नया फोन लॉन्च होता है तो सोशल मीडिया पर जोक्स बनने लगते हैं और कहा जाता है कि आईफोन इतने महंगे होते हैं कि किडनी बेचना पड़ जाए। इसी तरह के एक जोक को चीन के लड़के ने सीरियसली ले लिया। उसने अपनी किडनी बेचकर आईफोन लेने का फैसला किया और अपने माता पिता तक को ये बात नहीं बताई। दरअसल आईफोन 4 आने के बाद ये फोन स्टेटस सिंबल बन चुका था। आईफोन ने हर साल नए फोन लॉन्च किए और फोन के दाम बढ़ते ही गए। लड़के को आईफोन खरीद कर अपने स्कूल में अपने साथियों के बीच में कूल दिखना था। इसी बात से 17 साल का जाओ वोंग प्रेशर में था और इसीलिए उसने अपनी किडनी बेचकर आईफोन 4 खरीदने का फैसला किया। हालांकि वांग ने कुछ लोगों से ऐसा सुन रखा था कि एक किडनी पर भी जिंदा रहा जा सकता है। एक खबर के मुताबिक लड़के ने कहा कि एक किडनी मेरे लिए बहुत है, मुझे दूसरी किडनी की क्या जरूरत। हालांकि अब वांग 24 साल का हो चुका है और उसे हिलने ढुलने में भी परेशानी आती है। अब वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर है और डायलिसिस पर जिंदगी बिता रहा है। उसको अस्पताल ने किडनी के लिए 22,000 युआन यानी कि 2.24 लाख रुपए दिए थे। अस्पताल ने वांग से कहा था कि कुछ हफ्तों में उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये कदम उसके लिए भारी पड़ गया। किडनी निकलवाने के कुछ दिन बाद ही उसको इन्फेक्शन हो गया था। बाद में पता चला कि उसकी साफ तरह से सर्जरी नहीं की गई थी, जिससे कि रिएक्शन हुआ था। यही नहीं, सर्जरी की बात का पता उसके माता पिता को भी नहीं था। उनको जब पता चला तब वांग को इन्फेक्शन हो चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सालों बाद ये इन्फेक्शन दूसरी किडनी में भी पहुंच गया और वो भी बुरी तरह से डैमेज हो गई, जिसके बाद उसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन सब बेकार था। जिसके बाद वांग के परिवार ने डायलिसिस के लिए पैसे जुटाए। बाद में वांग को इंसाफ मिला। जिस अस्पताल ने किडनी निकाली थी उसी अस्पताल ने वांग के आगे के ट्रीटमेंट के लिए एक बड़ा अमाउंट दिया।